हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन अगोशी है और सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, उस टाइम में बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ। इसी वजह से आपको मेरा दोस्त नितिन, जो हर वीडियो में आपको दिखता था, अब वो नहीं दिखेगा। उसको ऐसा लगता है कि वो एक दिन में बहुत कुछ कर लेगा और उसका इसमें इंटरेस्ट भी ख़त्म हो चुका है। पर कोई बात नहीं, मेरा एक और दोस्त है जो उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसका नाम है दीपक, वो देखिए उसकी एंट्री। देखिए यह है दीपक और आज हम लोग आपको जो सिखाएंगे वो है सेल्फ डिफेंस। आपकी पूरी मैंने रिक्वेस्ट देखी थी कि आपने सेल्फ डिफेंस के बारे में बोला था कि आपको सेल्फ डिफेंस सीखना है। आज मैं आपको तीन तरह की सेल्फ डिफेंस सिखाऊंगा और इसके पार्ट्स में सिखाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको तीन सिखाऊंगा, फिर अगले पार्ट में और ज़्यादा। पहले पार्ट की तीन सेल्फ डिफेंस। पहला सेल्फ डिफेंस, जो आपके अचानक से कोई पंच मारता है, कैसे स्ट्रेट पंच को ऐसे मारता है। तो देखिए दीपक मुझे मारेगा, मैं उसका सेल्फ डिफेंस पहले आपको करके दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा उसे करना कैसे है। देखिए यह पंच की देख, ये हम उसके साथ गिरा चुके हैं उसे। ये था उसके लगी होगी, पूछ सकते हैं आप दीपक लगी। देखा, एक और बार देख लीजिए, अगर आपको गिरने में डर लगता हो तो आप इसको स्टैंडिंग में खुद गिरा सकते हैं केवल। देखिए मैं उसको ज़्यादा जोर से गिरा नहीं रहा क्योंकि उसके लग जाएगी। देखिए स्टैंडिंग देख सकते हैं, उसकी किकअप भी ठीक है। अब इसको देखिए करना कैसे है। फर्स्ट जब हम कहीं भी खड़े होते हैं तो हमारी लड़ाई कैसे होती है, डायरेक्ट कोई आके पंच मार देता है, आपको पता यही होता है। तो देखिए जब कोई पंच मारे करना क्या है, फर्स्ट उसका पंच ब्लॉक करेंगे। कैसे, देखिए दीपक धीरे से पंच लाएगा, ये अगर मैं ब्लॉक नहीं करूँ तो वो पंच सीधे मेरे फेस पर लग जाएगा। तो क्या करना है, जब वो लाए तो मुझे ये ऊपर कर देना है जिससे कि जो टारगेट यहाँ था वो ये हो जाए और अंदर जाना है। अंदर जाके जो उसका पैर है उसको खींचना है और यहाँ से धक्का देना है, समझ आया। इधर से आप एक और देख लीजिए क्या करना है, जब आया ये किया, ये किया और यहाँ से नीचे ले लिया। मैं उसको ज़्यादा जोर धक्का नहीं दे रहा। देखिए जब हाथ रखेंगे इस पोर्शन पर रखेंगे और आपको ये करना है, कुछ फेंकना है। कैसे, देखिए ये पंच है, इसको ब्लॉक करके पकड़ लेना है, ये ब्लॉक, ये पकड़ लिया। अब यहीं से ये हाथ रखा, देखिए, और ये पैर लिया और यहीं से ये गिरा दिया। चाहे कितना भी ठीक होगा वो ज़रूर गिर जाएगा इससे। ये था पहला। और अब दूसरा, एक बार इसको देख लीजिए पूरा कैसे किया मैंने फास्ट में, और फिर स्लो में देखना आप इसे। ये मैंने उसे केवल पंच मारा, पर जब वो नीचे गिर चुका आपके पास तो आपको किक मार सकते हैं, कुछ जो चाह मार सकते हैं। स्लो मोशन में देख लीजिए एक बार, देखिए देख सकते हैं आप। अब सेकंड में जो बहुत ही कॉमन है, क्या होता है, आते हैं आपका कॉलर पकड़ लेते हैं, पकड़ते हैं, आप उस टाइम हॉपलेस हो जाते हो, कुछ समझ नहीं आता, दिमाग काम नहीं करता। तो देखिए पहले आपको दिखाता हूँ करना क्या है, फिर देखता हूँ। देखा आपने, मैंने उसको पूरा नीचे नहीं गिराया, पर आप एक बार पूरा इसको देख लीजिए। देख सकते हैं आप, ये थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट है, इसलिए पहले आप इसको केवल नीचे गिराना सीखिए। कैसे, देखिए जब जैसे उसने कॉलर पकड़ा, पकड़ी दीपक, तो क्या करना है, आपका अपोजिट हैंड ऐसे पकड़ना है, उसके हाथ को ट्विस्ट करना है, वो अपने आप ट्विस्ट होगा धीरे से, और ये हाथ फोरआर्म रख देना है तो वो अपने आप झुकता जाएगा, और जब उसके ज़्यादा दर्द होगा वो अपने आप टैपिंग कर देगा। देख सकते हैं आप, इन्हें टैपिंग कर दी, और अगर आप इसको ज़्यादा ज़ोर से कर दें तो उसका हाथ भी टूट सकता है, पर आपको केवल उसे डैमेज करना है। और अगर ज़्यादा आपको है तो आप उसको गिराने के बाद, इधर लेने के बाद, एक घुटना टेकने के बाद आप पंच मार सकते हैं। आप देख लीजिए वो कुछ नहीं कर पाएगा आपका। ये तो इजी था, ये आप ऐसे भी कर लेंगे। अब आता है कोई आपकी गर्दन पकड़ लेता है, कैसे, आते हैं और ये पकड़ लेते हैं ऐसे। ये तो
ऐसा मूव है, आप कहीं भी देखिए लड़ाई इसी से शुरू होगी। क्या होती है, धक्का देते हैं, कॉलर पकड़ लेते हैं, ऐसे गर्दन खाद कर स्ट्रीट फाइट में आपने देखा ही होगा। तो अब इसे कैसे बचाते हैं, देखिए इसको मैं आपको तीन तरीके से छुड़ाना बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये छूटता नहीं है इन ट्रिकों से, पर जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, और चाहे आपकी कोई बड़ा भी लगाए ये छूटेगी। देखिए दीपक मेरे से लंबा भी है, पर आप देख सकते हैं ये मेरे लगा चुके हैं। अब देखिए क्या करना है मुझे, मुझे अपना ये वाला हाथ जो यहाँ था, इस वाले हाथ को पीछे से लेके जाना है और इनकी आइस पे रखना है और अंदर कर देंगे एक उंगली, ये तुरंत छोड़ देगा। क्या करना, और फिर ये हाथ छोड़ना नहीं है, इस हाथ को यहाँ से लेना है और वो ही करना है जो आपने सेकंड शॉट में देखा था। अब देखिए, अब दीपक उठने की कोशिश करेगा तो मैं उसे उठने ही दूंगा। दीपक उठिए, नहीं उठ पाएगा वो, समझ आया आपको। ये था पहला, और दूसरा अगर आप ये नहीं कर पा रहे आपको दिक्कत हो रही है तो देखिए क्या करना है, पीछे से जाना है और उसके बालों को खींच देना है और ये हटा देना है, ये फिर निकालना है और यहीं से ये रख देना है। ये केवल मैं आपको केवल ये रखना नहीं बता रहा, क्योंकि आप जितना इसको नीचे करते जाएंगे ये पूरा ज़मीन पर आ जाएगा, और अब जब आप फ्री हैं तो आप यहीं से हिट कर सकते हैं इसे, इसलिए मैं आपको हाफ दिखा रहा हूँ, क्योंकि नीचे गिरने के बाद सामने वाला बिल्कुल हार ही मान जाता है, ये आपको भी पता है। ये था हमारा तीसरा। अब देखिए चौथा जो होता है धक्के का, जो कोई आपको जब धक्का देता है, पुश करता है आपको, तो आपने बहुत से देखे होंगे कि आप इसे हाथ खोल दीजिए, ये कर दीजिए, पर अचानक से वो नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, जब कोई सामने आपकी बॉडी पर इधर से फोर्स देगा तो ये पड़ता है और आप पीछे ऐसे होते हैं, आपको करना है बॉडी को तिरछा कर देना है। तिरछा क्यों, जो उसके हाथ ऐसे होंगे वो ऐसे हो जाएंगे और वो ऐसे चला जाएगा। कैसे, देख लिया आपने, अभी मैंने कुछ किया नहीं है, मैं दिखाऊंगा उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता कि आप क्या करेंगे, और आप वो छुड़ाने की कोशिश करें तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको क्या करना है खुद भी गिर जाना है, तो वो लॉक सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। देख सकते हैं आप, मैंने बिल्कुल ही मेरी पकड़ में, अब ये कुछ नहीं कर सकता, मैं इसके यहाँ से पंच भी हिट कर सकता हूँ। देखा आपने क्या हुआ, जब उसने धक्का दिया, केवल ये धक्के का, पहले देखिए जब उसने दिया तो धीरे से ये हाथ जैसे ही यहाँ आया, अगर वो स्टैंडिंग देखा जाए, दीपक धक्का दीजिए मैं पीछे हट जाऊँगा, पर अगर मैं यहीं बॉडी को ये कर दूँ, ऐसे कर दूँ, तो मैं नहीं हटूँगा। कैसे, ये अपना हट जाएगा, ये भाग के आएगा, देखिए एक बार देख सकते हैं आप, वो बिल्कुल उधर चला गया। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, बॉडी को ये कर देना है, बस ट्विस्ट करना है, पैरों को देख लीजिए, ये कर देना आपको बस। फिर ये था चौथा, मैंने आपको इस वीडियो में चार बता दिए, एक बार आप चारों को फिर से देख लीजिए क्या थे। पहला क्या था, जो आपको कोई पंच मारे, देखिए मैं उसको ज़्यादा तेज नहीं करा रहा, पर आप समझ रहे होंगे। दूसरा, जो आपका कोई वन हैंड से कॉलर पकड़ता है, टैपिंग ना करें छोड़ना नहीं है। दूसरा, तीसरा, जब कोई आपको लॉक लगा लेता है, देख सकते हैं आप, इसलिए मैंने दूसरा बताया था कि बाल पकड़ लेने हैं। देख सकते हैं आप, अब चौथा लास्ट, जो धक्का दे दे कोई आपको, फिर तो मैंने आपको बताया था कि आप गिरा सकते हैं उसको, मैं अपने दोस्त को नहीं गिरा रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता वो उसके लगे। ये था हमारा ट्यूटोरियल, और यकीन मानिए दीपक को बहुत अच्छे से स्टंट आते हैं। आपकी जब मेरे किकिंग के ट्यूटोरियल आने शुरू होंगे आप खुश हो जाएंगे, इस चैनल में आपको सब मिलेगा, आपको जो भी सीखना हो, चाहे वो सेल्फ डिफेंस हो, लाठी स्पिन हो, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। पर आज था ये पहला ट्यूटोरियल सेल्फ डिफेंस का, थैंक यू, मैं और मेरा दोस्त दीपक। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक और शेयर जरूर कर देना प्लीज़।